दोस्तों उत्तराखंड में यूं तो कई शैव शक्तिपीठ हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको उनमें से ही एक शैव शक्तिपीठ के दर्शन कराने के लिए लाया हूं, जिसका नाम है एकेश्वर महादेव शक्तिपीठ, जिसे स्थानीय भाषा में इगासर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। आज मैं आपको इस मंदिर के पूरे दर्शन करवाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो और जानकारी अच्छे लगे तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आप हमें फेसबुक और इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यह मंदिर उत्तराखंड के कोटद्वार से लगभग 80 किलोमीटर व सतपुली गाँव से लगभग 20 से 25 किलोमीटर में एकेश्वर नामक के गाँव में पड़ता है। इसी मंदिर वो भगवान शिव के नाम पर इस गांव का नाम एकेश्वर रखा गया। एकेश्वर बाजार के रास्ते में बिल्कुल सड़क के किनारे में ही आपको यह मंदिर देखने को मिल जाएगा। इसके चारों तरफ बिल्कुल शांति व बांध के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे और कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद यह रास्ता आपको सीधे मंदिर की तरफ लेके जाता है। लेकिन पहले हम सीधे जाएंगे जहां हाथ पैर धोने या स्नान करने के लिए यह एक जगह बनी हुई है, जिसमें 24 घंटे प्राकृतिक जल स्रोत है, जिसमें बांध के पेड़ों की जड़ों से पानी आता रहता है और यह पानी एकदम मीठा और स्वच्छ है। यहां से हाथ व पैर धोने के बाद अब हम इस मिनी ब्रिज से जाएंगे मंदिर के दर्शन के लिए। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कई बंदर भी है, इसलिए अगर आप कुछ खाने पीने की चीजें ला रहे हैं तो इसको आपको थोड़ा संभाल कर ही चलना चाहिए। तो मंदिर परिसर में एंटर होते ही आपको एक काफी बड़ा टीन शेड दिखाई देने वाला है, जिसमें बीच में ही मंदिर का मुख्य द्वार और हर शिव मंदिर की तरह बाहर आपको नंदी महाराज जी विराजमान मिलेंगे। मुख्य द्वार के अंदर आपको ले चलूं तो आपको भगवान शिव की सुंदर सी मूर्ति एवं स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित शिवलिंग वो भक्तों द्वारा चढ़ाए गए कुछ छत्तर भी आपको देखने को मिलेंगे। मंदिर के पीछे ही उत्तर दिशा की ओर मां वैष्णो देवी का गुफा स्वरूप मंदिर भी है और सामने भैरवनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है। यह भी कहा जाता है कि भैरवनाथ जी के मंदिर से सीधे बद्रीनाथ के लिए एक गुफा जाती है, फिलहाल जिसे सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। शिवरात्रि में यहाँ कई संख्या में भक्तों की भीड़ लगी होती है व श्रवण मास में यहाँ कावड़ मेले व भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसी परिसर में धर्मशाला भी स्थित है, जहाँ दूर से आए भक्तों के रुकने के लिए व्यवस्था है। इसी मंदिर परिसर में विवाह कार्यक्रम को भी संपन्न करवाया जाता है। तो वापस हम फिर आ गए हैं एंट्रेंस की ओर और यहीं से ऊपर की तरफ एग्जिट के लिए अलग से सीढ़ियां स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। जय हिंद।